नाउ नेक्स्ट जावा प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग ऑपरेशंस। इस केस में जस्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैरेक्टर्स हाउ टू प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग अवेलेबल लाइक अ गिवन फॉर्म्स लाइक अ स्ट्रिंग कैरेक्टर ए देन डबल बी देन कैरेक्टर सी अगेन ई एंड ए ए और समथिंग डी एंड अगेन ई लाइक दैट। तो इस तरह से आपके पास कोई भी स्ट्रिंग अवेलेबल इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर। तो सबसे पहले इस केस में आप सर्च करोगे ऑक्रेंस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट ए के रिस्पेक्ट में बात करें, ए कितनी बार अपियर हुआ है टोटली थ्री टाइम्स, वन टू एंड थ्री। ऑक्रेंस ऑफ ए इज थ्री, देन ऑक्रेंस ऑफ बी वन टू, बी के ऑक्रेंस क्या ओनली टू टाइम्स, बी इज रिपीटेड ओनली ट्वाइस, सी ओनली वन टाइम्स, देन फाइनली ई, ई के ऑक्रेंस कितने, टू ऑक्रेंसेस ऑफ ई एंड फाइनली डी, डी के भी टोटल ऑक्रेंस कितने ओनली सिंगल ऑक्रेंस। तो सबसे पहले इस केस में आपको फाइंड आउट क्या करना है, नॉन रिपीटेड कैरेक्टर्स। तो टोटल नॉन रिपीटेड कैरेक्टर्स कितने, सी एंड डी, क्योंकि सी और डी के ऑक्रेंस कितनी बार ओनली वन टाइम, मैंने केसेस में क्या ग्रेटर देन वन। लेकिन सी और डी के केस में अगेन आपको चेक करना, सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर लेफ्ट राइट अपीयर क्या हुआ है, सी और डी सबसे पहले अपीयर क्या हुआ है, सी। देन इस पर्टिकुलर गिवन इनपुट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग रिटर्न क्या होना चाहिए, कैरेक्टर सी। इसे इस प्रोग्राम के भी लॉजिक्स कैसे हैं, सेम एज वी आर डिस्कसिंग ड्यूरिंग फाइंड आउटिंग डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। मीन्स फर्स्ट प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जस्ट सर्चिंग और फाइंड आउटिंग डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। सेम इन दैट केस, इस केस में फाइंड आउट क्या करना है, नॉन डुप्लीकेट कैरेक्टर, लेकिन आपको रिटर्न क्या कराना, ओनली फर्स्ट नॉन डुप्लीकेट कैरेक्टर। लेकिन फर्स्ट नॉन डुप्लीकेट कैरेक्टर सर्च करने से जस्ट पहले आपको सारे के सारे कैरेक्टर्स का ऑकरेंस इज रिक्वायर्ड। देन अगेन इस केस में यूज करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ हैश मैप और मैप और कलेक्शन एपीआई। मीन सिंपली कुछ भी नहीं कराना, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इस केस में, अगेन अगर आप प्रीवियस वीडियो वॉच कर चुके हैं इस प्रोग्राम को, आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल है। मीन सबसे पहले गिवन स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे इनटू इक्विवेलेंट कैरेक्टर एरे, क्लियर। देन कैरेक्टर एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसे एरे के ऑब्जेक्ट्स, एरे के एलिमेंट्स के एंट्रीज इंसर्ट कराएं इन द फॉर्म ऑफ मैप ऑब्जेक्ट। मैप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर्स में टोटल की कितने क्रिएट हो रहे हैं, ऑल कैरेक्टर्स यूनिकली ए बी सी डी एंड ई। देन सभी कैरेक्टर्स का आप इस केस में ऑकरेंसेस मैनेज करोगे, ए का ऑकरेंस क्या है, वन मोर थिंग्स, इस केस में सीक्वेंस चेंज किया ए बी सी, सी के बाद अपीयर क्या हुआ ई, ई के बाद डी, क्लियर। वन मोर थिंग्स, इस केस में मैप क्या है, इंटरफेस, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट एक स्टैक का स्टोर कराएंगे लिंक्ड हैश मैप रीजन। लिंक्ड हैश मैप के अंदर इसे फॉलो क्या करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के केस में एंट्री किस फॉर्म में, जैसे फॉर्म में आप इंसर्ट कराओ सेम फॉर्मेट में इंसर्ट होंगे, इसलिए यूज क्या करेंगे लिंक्ड हैश मैप। इसके बाद ए का ऑकरेंस क्या स्टोर हो जाएगा इस केस में, ऑकरेंस ऑफ ए इज थ्री, ऑकरेंस ऑफ बी इज टू, ऑकरेंस ऑफ सी इज वन, ऑकरेंस ऑफ ई इज टू, ऑकरेंस ऑफ डी इज वन। तेरे इस केस में मीन से जो भी आपने मैप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस केस में मैप ऑब्जेक्ट में सिंपली आप रिटर्न क्या कराओगे, फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर। मीन्स वन बाई वन सभी कैरेक्टर का ऑकरेंस चेक करें, जैसे ही किसी कैरेक्टर का ऑकरेंस आपको वन फाउंड होता है, देन इमीडिएटली गिवन कैरेक्टर को रिटर्न कराएंगे। देन इस पर्टिकुलर केसेस में इस लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपली मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सोर्स कोड। सिंपली वी आर क्रिएटिंग सम फंक्शन, मीन डायरेक्टली मैं फंक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इस फंक्शन को राइट डाउन करो इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस। क्योंकि जावा के अंदर कोई भी कोड विदाउट क्लास राइट डाउन करना पॉसिबल, सिंपली मेथड पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक क्रिएट किया जैसे डायरेक्टली आपके लिए क्लास नेम के थ्रू कॉल करना पॉसिबल। प्लस इस रिटर्न क्या कराना, फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ कैरेक्टर, क्योंकि इसे रिटर्न क्या कराना है कैरेक्टर। मेथड नेम एज गेट गेट फर्स्ट नॉन रिपीट, गेट फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैर। इनपुट्स में क्या रिक्वायर्ड होगा, स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग के अंदर आप सर्चिंग परफॉर्म करना चाहते हो, स्ट्रिंग एस। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या, कन्वर्टिंग गिवन स्ट्रिंग इनटू इक्विवेलेंट कैरेक्टर एरे। वन मोर थिंग्स, इस केस में आपको कैरेक्टर एरे मीन से सिंपली क्रिएट करा लेंगे कैर कैरेक्टर एरे ए इक्वल्स टू
then s dot, simply method cache ke liye to care array method of string class, means to care array method ki help se just string ko character array ke form mein convert karna possible hai. Next requirement kya hai, is one by one array ke sare element search karenge, visit karenge. Then visit करने के लिए simply use क्या करेंगे, for each loop. For each loop के अंदर सबसे पहले supply क्या करेंगे, array के अंदर argument किस form में available, argument में से array के अंदर सारे के सारे element किस form में in the form of characters. Simply मैं use करूँ character ch, मतलब ch के अंदर every time element किस array से copy कराना है from character array a. Then next requirement क्या, one by one सारे के सारे element read down कराने के बाद आपको store किस form में कराना है, in the form of map object. उससे just पहले create क्या करेंगे, map object प्लस मैप के अंदर अगेन की का टाइप क्या है, कैरेक्टर, एंड वैल्यूज का टाइप क्या है, इंटीजर, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर. यू आर क्रिएटिंग रेफरेंस वेरिएबल एम, देन न्यू ऑब्जेक्ट किस टाइप का असाइन कराएंगे, हैश मैप, सॉरी नॉट अ हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप. क्यों, हैश मैप के अंदर एंट्रीज अनसॉर्टेड फॉर्म में, हैश मैप के अंदर कभी भी इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता, इसलिए यूज क्या करोगे, लिंक्ड हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप. अगेन इसके अंदर सप्लाई क्या करेंगे, एंट्री टाइप, फर्स्ट एंट्री का टाइप क्या है, कैरेक्टर, इसलिए यूज क्या करेंगे, की का टाइप क्या है, कैरेक्टर, एंड वैल्यू का टाइप क्या है, इंटीजर, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर. प्लस इसके साथ इसका लेंथ भी सप्लाई कर सकते हो, साइज भी सप्लाई कर सकते हो, मीन्स इसके अंदर टोटल आपको कितने वैल्यू इंसर्ट कराना है डिपेंड करेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तो इसलिए इसका हैश मैप ऑब्जेक्ट का मैं साइज भी पास कर रहा हूँ, एस मीन्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट लेंथ मेथड. अगर स्ट्रिंग का लेंथ 5 है देन इसका कैपेसिटी भी क्या रहेगा, इनिशियल कैपेसिटी है 5. नेक्स्ट थिंग, सब आपके लिए मीन्स एलिमेंट सिंपली फोर लूप के थ्रू इटरेट करना पॉसिबल, फोर कैर सी एच कॉलन ए. वन मोर थिंग, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस में क्रिएट किया हो चुका है एरे, सपोज दैट एरे के अंदर स्ट्रिंग के एलिमेंट्स कॉपी करा चुका हूँ, समथिंग कैरेक्टर ए एंड कैरेक्टर बी, अगेन कैरेक्टर बी समथिंग एंड कैरेक्टर सी, देन ए अगेन ए, देन समथिंग कैरेक्टर एच डी एंड ई कॉमा और अगेन ई, लाइक दैट, देन इंडेक्स वैली 0, 1, 2 एंड सो ऑन. फाइनली इस एरे को आसानी किसमें कराया, रेफरेंस वेरिएबल ए, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कौन करेगा, रेफरेंस वेरिएबल ए. प्लस हैश मैप ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, हैश मैप के अंदर इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स. दिस इज द हैश मैप ऑब्जेक्ट एम, की एंड वैल्यू. देन इसके अकॉर्डिंग लॉजिक्स क्या परफॉर्म कराना है, इसे एरे से वन बाई वन एलिमेंट को कॉपी कराना, प्लस इसका ऑकरेंस किस फॉर्म में इंसर्ट करना, इन द फॉर्म ऑफ मैप ऑब्जेक्ट. देन एलिमेंट्स को रीड करने के लिए जस्ट मैंने यूज क्या किया, फोर लूप, फोर ईच लूप. फोर ईच लूप के अंदर जस्ट नेक्स्ट थिंग क्या रहेगा, इस कैरेक्टर एरे के रिस्पेक्ट में एलिमेंट रीड करेंगे, देन एलिमेंट के केसेस में अगर एलिमेंट फर्स्ट टाइम फाउंड हुआ है देन आप डायरेक्टली इसको इंसर्ट कराओगे विद ऑकरेंस वन, अदरवाइज एलिमेंट ऑलरेडी मैप ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है और एग्जिस्टिंग है, देन एग्जिस्टिंग ऑकरेंस में जस्ट इंक्रीमेंट कराएंगे भाई वन से. देन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मीन्स मैप में कोई भी वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए यूज क्या करें, मैप डॉट पुट मेथड. नेक्स्ट में पुट के अंदर की क्या पास होगा, गिव इन कैरेक्टर, कैरेक्टर किस फॉर्म में, सी एच के फॉर्म, तो सी एच इसके फॉर्म वर्क करेगा एज अ की. देन सेकेंड आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, वैल्यू, वैल्यू क्या हुआ, आइदर वन और इंक्रीमेंटेड वाई वन, मीन्स पहले आप एग्जिस्टिंग वैल्यू चेक करो, तो एग्जिस्टिंग वैल्यू डायरेक्टली चेक करेंगे वाई यूजिंग कंटेंट्स की मेथड. एग्जिस्टिंग वैल्यू चेक करने के लिए कॉल क्या कर लेंगे, मैप डॉट कंटेंट्स की मेथड. कंटेंट्स की के अंदर मीन्स की क्या है इसके, इसमें सी एच, मीन सी एच के लिए सर्च कर रहा है, तो इस मेथड से रिटर्न क्या हुआ, आइदर ट्रू और फॉल्स. देन मैं यूज कर रहा हूँ कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर केस में क्या है, आइदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब एक गिवन की कैसा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की. अगर की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ, एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ की, तो उसमें एडिशन किससे कराएंगे, वन से. तो एग्जिस्टिंग वैल्यू सर्च करने के लिए कॉल क्या करें, मैप डॉट गेट मैथड. गेट मैथड में अगेन सप्लाई करेंगे की एच सी एच, प्लस इसका जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू में इंक्रीमेंट कितने से कराएंगे, वन से. अगर एक कंडीशन फॉल्स है इसका मीनिंग क्या है, की डज नॉट एग्जिस्ट. अगर की नॉन एग्जिस्टिंग है देन सिंपली इसके इसमें इंसर्ट क्या करा लोगे, की एज
one. Clear? This is the functionality of given approach. Then is particular logics ke through sare ke sare characters as a key with the occurrence insert ho jayenge. Then next thinking kya means insert karane ki just baat. Ab aapko retrieve kya karna, first non repeated character. The first non repeated character aap search karne ke liye again use kya karoge, same as previous logic which is provided during duplicate characters. Then इस केस में सबसे पहले map object को set और entry set के form में retrieve करेंगे. Then इस केस में create क्या करेंगे, one more object of set type. Set के अंदर inform में से set के अंदर store क्या होगा, just entry object. वो entry क्या है, entry जैसे child class of map interface. मीन्स अगर collection से related आपको किसी भी logic में problem है, doesn't matter only आपको इस केस में logics को concentrate करना, ना कि source code. Entry, entry किस form में store है, in the form of character comma integer. Character comma integer, then we are creating entry set. Entry set create करने के लिए जस्ट method call कर लेंगे map का, map dot entry set method. Entry set से simply entry set create हो जाएगा. then entry set के अंदर आओ, entry set के सारे सारे element अगर आपको visit करना है, then simply use क्या करेंगे, for each loop. again map dot entry, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेट ऑब्जेक्ट में सारे के सारे एंट्री किस फॉर्म में है, एंट्री सेट के फॉर्म और एंट्री ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, और एंट्री के अंदर की किस फॉर्मेट में, कैरेक्टर वैल्यू फॉर किस फॉर्मेट में, इंटीजर. इसलिए सप्लाई करेंगे कैरेक्टर कॉमा इंटीजर. नेक्स्ट वन, सिंपली वी आर यूजिंग ई कॉलन. एलिमेंट से एवरी टाइम रीड कैसे कराना है, एंट्री सेट ई एस, इसलिए सप्लाई क्या करें ई एस. देन इफ कंडीशन, इफ कंडीशन के थ्रू चेक क्या करेंगे, इसे से पर्टिकुलर लूप का पर्पज क्या है, करेंट मैप में जितने भी एंट्रीज अवेलेबल हैं सभी एंट्रीज को वन बाई वन रीड करना. लेकिन वन बाई वन रीड कराने के बाद आपको रिटर्न क्या कराना, अगर किसी भी एंट्री या एंट्री के लिए अगर वैल्यू वन फाउंड होता है, देन उसके सिंपली रिटर्न क्या करा हुआ, करेस्पॉन्डिंग की. की मीन्स कैरेक्टर्स. देन इफ सिंपली परफॉर्म क्या कराना, इसके इफ ई डॉट ई क्या है, एंट्री मीन्स रिक्वायर्ड क्या, गेट की और गेट वैल्यू. वैल्यू अगर किसी भी पर्टिकुलर एंट्री का वैल्यू वन के इक्वलेंट है, इफ वैल्यू इज इक्वल इक्वल्स टू वन, देन इसका मतलब क्या, दिस इज द फर्स्ट नॉन रिपीटेड की. देन रिटर्न क्या करा हुआ इससे, की और वैल्यू, रिटर्न की. और की का टाइप क्या है, कैरेक्टर्स लिए रिटर्न टाइप यूज किया गया मैंने, कैर रिटर्न ई डॉट गेट की. ई डॉट गेट की, क्लियर. देन इमीडिएटली करेस्पॉन्डिंग की इंफॉर्मेशन रिटर्न हो जाएगा. देन बट सपोज दैट अगर इस केस में ये कंडीशन एक ही बार सेटिस्फाई नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग पास किया है एज ए ट्रिपल ए, ट्रिपल ए के केस में ओनली एक ही कैरेक्टर है, इसका ऑकरेंस क्या है थ्री, मीन्स कोई भी नॉन रिपीटेड कैरेक्टर फाउंड ही नहीं हो रहा है. अगर कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, देन उस केस में रिटर्न कराऊंगा सम और थ्रो करा देंगे सम रन टाइम एरर, मीन्स थ्रो न्यू रन टाइम एरर. इसमें सिंपली मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे, नॉन रिपीटेड कैरेक्टर नॉट फाउंड, नॉन रिपीटेड कैर नॉट फाउंड, क्लियर. सी द लॉजिक्स फॉर चेकिंग फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग्स.